हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, गर्मियों में अगर आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उससे राहत पा सकते हो। सो कुछ होम रेमेडीज़ एंड टिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जो कि 100% इफेक्टिव है। मैंने इसे खुद भी आजमाया है, सो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो और वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो समर्स में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमें पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है। हमारी बॉडी पसीना निकाल के अपने टेम्परेचर को बैलेंस करती है, सो इसलिए हमें गर्मियों में हाइड्रेट रखना चाहिए अपने बॉडी को। जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए और ठंडी चीज़ें लीजिए, लिक्विडी चीज़ें लीजिए, इससे कि हमें पसीने में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी अंदर से। तो समर्स में आपके फेस पे अगर काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है तो आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने से पहले आप आइस क्यूब ले लीजिए और उसे अपने फेस पे अच्छे से रब कर लीजिए, सो इसके बाद आपको पसीना नहीं आएगा। समर्स में ज़्यादा स्पाइसी फूड और ऑयली फूड खाने से भी हमें पसीना आता है, सो समर्स में हमें स्पाइसी एंड ऑयली फूड को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इससे हमें पसीने में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। स्पाइसी फूड एंड ऑयली फूड हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है। सो समर्स में आप लोग अवॉइड करिए ऑयली फूड एंड स्पाइसी फूड खाना, सो इससे आपको पसीने में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। जिन लोगों को गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है उन्हें अपने खाने में नमक की मात्रा को कम कर देना चाहिए। अगर आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है तो आप खीरे के रस को अपने फेस पे अप्लाई करिए, इससे आपको पसीने में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। समर्स में टमाटर का जूस पीने से भी हमें पसीने में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। बॉडी के जिस भी पार्ट में आपको पसीना ज़्यादा आता है उस पर आप थोड़ा सा आलू ले लीजिए एंड आलू को पीसेस में कट कर लीजिए और उस पार्ट पे आप इसको रब करिए, सो इससे आपको पसीने में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। समर्स में आपको अपने फेस पे एज अ टोनर रोज़ वाटर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। रोज़ वाटर हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करवाता है, सो इससे आपको पसीने में भी राहत मिलेगी। सो गाइस, ये थी कुछ टिप्स एंड होम रेमेडीज़ जिससे आप अपने पसीने से राहत पा सकते हो गर्मियों में, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम रेमेडीज़ हैं एंड टिप्स हैं। इसको फॉलो करके आपको डेफिनेटली अपने पसीने में राहत मिलेगी। सो वीडियो कैसे लगी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नोटिफिकेशन बिल के साथ। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।